अब ये एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग क्या पर्यावरण मंत्रालय ने शिक्षा विभाग के साथ बात की क्या कि भाई आप स्कूल में बच्चों को पेड़ पौधों के विषय में जरा पढ़ाना है तो उनको जरा बगीचे में ले जाइए, गांव के बाहर जो पेड़ पौधे हैं वहां ले जाइए, पेड़ पौधों का परिचय करवाइए। अब ये शिक्षा मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय मिलकर के काम करें तो उन बच्चों में पर्यावरण के प्रति स्वाभाविक एक जागरूकता आएगी और इससे बच्चों में जीव विविधता के प्रति जागरूकता आएगी और पर्यावरण की रक्षा के लिए उनके दिल दिमाग में वो ऐसे बीज बो सकते हैं जो आने वाले समय में पर्यावरण की रक्षा के बहुत बड़े सिपाही बन जाए। इसी तरह अब जैसे जो बच्चे हमारे समुद्री तट पे या नदी के तट पे हैं, वहां बच्चों को ये पानी का महत्व, समुद्र की इकोसिस्टम क्या होती है, नदी की इकोसिस्टम क्या होती है, वहां ले जाकर उनको सिखाया जाए मछली का क्या महत्व होता है, मछली भी किस प्रकार से पर्यावरण की रक्षा में मदद कर रही है, सारी बातें उन बच्चों को लेकर के समझाएंगे। काम तो शिक्षा विभाग का होगा लेकिन पर्यावरण के विभाग के लोग तो आप देखिए पूरी नई पीढ़ी तैयार हो जाएगी। हमने अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक भी करना है, संवेदनशील भी करना है। राज्यों के पर्यावरण मंत्रालय को इससे जुड़े अभियान शुरू करने चाहिए, योजनाएं बनानी होगी। अब जैसे किसी स्कूल में फल का कोई पेड़ है तो बच्चे उसकी जीवनी लिख सकते हैं, पेड़ की जीवनी लिखे, किसी औषधीय पौधे के गुणों के बारे में भी बच्चों को निबंध लिखवाया जा सकता है, वक्तृत्व स्पर्धा की जा सकती है।